एलजी मनोज सिन्हा ने स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर के एसकेआईसीसी से बॉटनिकल गार्डन तक मेरी मिट्टी मेरा देश रैली को हरी झंडी दिखाई गई। पूरा जम्मू कश्मीर तिरंगा यात्रा में भाग ले रहा है। आसमान में ऊंचा लहरा रहा है तिरंगा। सड़कों पर है उत्साह। पूरे यूटी में पुरुषों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी देश के लिए भी एक प्रेरणा है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। गत वर्ष भी श्रीनगर में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। आप सबको मालूम है कि 12 मार्च 2022 को देश का अमृतकाल प्रारंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे शुरू किया था और 15 अगस्त 2023 को इसका समापन होगा। आज बड़े फख्र के साथ इस बात का हम सबको आनंद है कि आज जो तिरंगा यात्रा निकली, केवल प्रशासन और फोर्सेस के लोग नहीं बल्कि श्रीनगर और कश्मीर की आवाम ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से तिरंगे का सम्मान भारत का सम्मान है और हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों, उन वीर शहीदों का सम्मान है और इसी के कारण मैं समझता हूं कि देश की प्रगति और जम्मू कश्मीर की प्रगति होगी। मैं मीडिया के साथियों के प्रति भी आभारी हूं जिन्होंने एक अच्छा वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में बनाने में हमारी सहायता की है। देखिए, किसी के नेतृत्व का सवाल नहीं, मुझे लगता है कि आवाम के मन में एक बात बैठ गई है कि सबको भारत के तिरंगे की शान की रक्षा करनी है। जम्मू कश्मीर और देश के विकास में हर आदमी को अपना योगदान देना है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है। थैंक यू।